रीवा से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां पुलिस का फ्लैग मार्च बना दिखावा, बेखौफ बदमाशों ने चेन स्कैनिंग की घटना को दिया अंजाम। नमस्कार, मैं मनीष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए चलते हैं इस वक्त की खास खबर की ओर। बेखौफ बदमाशों ने घर का पता पूछने के बहाने एक महिला की गले से चेन छीन ली और देखते ही देखते मौके से फरार हो गए। यह घटना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र बिंद बिहार कॉलोनी की बताई जा रही है। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंद बिहार कॉलोनी के पास अपने घर के बाहर पिंकी सिंह बैठी थी, तभी बाइक सवार बदमाश महिला के पास पहुंचे और एक घर का पता पूछने लगे। इससे पहले ही महिला बदमाश की नियत भाग पाती, बदमाश दुपट्टा मारते हुए उसकी चेन छीनकर फरार हो गया। महिला रोती बिलखलाती, तभी आसपास के लोग देखकर महिला के पास आए। घर के बगल में लगे सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद हुई। महिला द्वारा सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह का दावा है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। पिंकी सिंह, क्या घटना हुई बताइए। घटना कल शाम के 6:30 की है। हम अपने घर के बाहर बैठे थे तो कुछ एक आदमी आया, यही टहल रहा था और फिर हमसे पूछा कि कोई टीचर का नाम पूछा। हम बोले हमको नहीं बताया, टीचर यहाँ पे है नहीं। फिर बोला कि उनके घर में डॉक्टर है, तो हम कहे डॉक्टर तो यहाँ पे कोई नहीं है। बोला कि आपके गेट जो घर दिख रहा है, गेट की तरह उनका घर है। जैसे हम गेट की तरफ घूमे ऐसे चोर हमारा खींच के लेके भाग गया। हम उसके पीछे पीछे आधे रास्ते तक गए भी, हमको नहीं मिला। बाइक में था तो निकल लिया। कितने लोग थे? दो लोग थे। मतलब किस तरह पहचानती हो लिया, किस तरह था उनका? हुलिया सर सामला सामला था, टोपी लगाया था, अच्छे से नहीं समझ पाए, पर मुझे हल्की हल्की मुछी भी थी। दुबला पतला था, चेहरा भी बांधा था क्या? हाँ। कौन सा बाइक में था? बाइक में था, जो बाइक में था वो हेलमेट लगाया था, उसको नहीं पहचान पाए। बस वो जो हमारे ले गए उसको बस हम देखे है की टोपी लगाया था और नीले कलर का बैग लिया है। कितने के संख्या में थे? कितने साल का? कितने संख्या में थे बदमाश? कितने लोग थे? दो ही थे। दो लोग। कितने तोले की चैन थी आपकी? डेढ़ तोले की। डेढ़ तोले की चैन थी जी सर। इसकी शिकायत आपने सिविल लाइन में कर दी है? हाँ, हम कर आए थे कल, ये पता होते ही हम कर दिए थे कल रात ही को। फिर आज सुबह फिर से बुलाई थी मैम, तो फिर गए थे। पुलिस आई थी घर आपके? हाँ आई थी, पुलिस आई थी और आरोपी। हाँ हाँ, वो उनको सीसीटीवी कैमरे में भी देखे हैं, चेक किए, बस उसका चेहरा साफ नहीं समझ में आ रहा है। ये कौन सी कॉलोनी है? कॉलोनी कौन सी है? गोविंद विहार कॉलोनी। गोविंद विहार। कल क्या घटना हुई है? ये कल देर रात में रिपोर्ट आई थी कि थाना सिविल लाइन्स में गोविंद विहार कॉलोनी में एक महिला जो घर के बाहर थी, उसको एक लड़का उससे पता पूछने के बहाने आया, पैदल आया और फिर उसका महिला का चेन स्नैचिंग करके और वहां से चला गया। और जब तक महिला समझ पाती तब तक लड़का वहां से निकल गया था। और जिसके आधार पर अभी पूरी तस्दीक के ऊपर रखी जा रही है, उसमें क्राइमी करके और अपराधियों के उसमें पता तलाशी की जा रही है। कुछ संदेही हमारे उसमें है, टारगेट में, जिनको हम कुछ समझौता उनके द्वारा घटना की गई है और उनको हम उनकी तलाश वगैरह कर रहे हैं। जो महिला को दिखे हैं वो एक ही बदमाश उसको दिखा है, लेकिन जो हमारी तस्दीक है उसमें उसके साथ उसके साथीगण भी अन्य थे जो संभवतः कहीं और खड़े थे, उसके बाद वहाँ मोटरसाइकिल भाग गए। ये महिला से पता पूछने आया था लड़का और जब महिला का ध्यान इधर उधर भटका तो उसके बाद उसने तुरंत चेन स्नैचर के वहाँ से भाग गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।